वैली का ग्राउंड है दोस्तों। मौसम बिल्कुल सही है एंड रोप वे अभी फिलहाल ओपन है क्योंकि और एक्टिविटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बट पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये वाली पैराग्लाइडिंग छोटी पैराग्लाइडिंग है दोस्तों। एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज है आपकी संडे है एंड 20 तारीख है दोस्तों एंड मौसम बिल्कुल साफ है। आज हम लोग जा रहे हैं मनाली से सोलांग वैली। रोहतांग नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप है 40 से 42 लोगों का एंड हमारी 3 से 4 गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे। पिछले कल पिकअप किया था एंड साइट सीन करके आज जा रहे हैं सोलांग वैली। आगे का प्लान बनेगा अटल टनल और सिसु जाने का, तो आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल हमारे मैंने आपको बता देता हूँ ये वाली जो गाड़ियाँ हैं हमारे साथ इकट्ठे ही है। भाई लोग बड़ी देर से वेट कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए हैं होटल में। यहाँ से अभी निकल रहे हैं सोलांग वैली के लिए एंड आज का अपडेट करते हैं दोस्तों आपको सोलांग वैली में कैसा रहेगा मौसम एंड मनाली का भी आपको बताते हैं कैसा कैसा रहेगा। हमारा 3 गाड़ियों 4 गाड़ियों का ग्रुप है दोस्तों, 1, 2 एंड 3 एंड चौथी गाड़ी वहाँ पे है। तो सारा आज 42 लोगों का ग्रुप है, इनको लेके सोलांग वैली जा रहे हैं एंड अभी हम लोग जहाँ पे है दोस्तों मनाली से 3 किलोमीटर इधर प्रिनी शुरू में आके ये वाली जगह है। होटल हमारा यहाँ पे लोटस ग्रैंड एंड जाएंगे सीधा ऊपर सोलांग वैली के लिए। मौसम की बात करें तो दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ़ है मनाली में, आप आ सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड चलते हैं अभी दोस्तों सोलांग वैली के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अभी सोलांग वैली के लिए। तो गाइज़ अभी होटल से आने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं नेहरू कुंड से 2 मोड़ ऊपर, यहाँ पे रुके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए क्योंकि अभी रोहतांग नहीं जाएंगे, अटल टनल सोलांग वैली अभी कंफर्म नहीं है कि आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो फिलहाल सोलांग वैली ही जाएंगे। तो उस करके हम लोगों ने सोचा कि इनको रुकते रुकते ले जाएंगे सोलांग वैली तक क्योंकि आज का पूरा दिन सोलांग वैली में ही रहेगा। वहाँ पर दोस्तों नेहरू कुंड है, नेहरू कुंड का ब्रिज आपको दिख रहा है, यहाँ से जस्ट 2 मोड़ ऊपर आ गए हम लोग, यहाँ पर गाड़ी लगा के इनको रोक लिया है यहाँ पे। उसके बाद जाएंगे सीधा ऊपर सोलांग वैली वहाँ पे एंड रोहतांग आपका इस साइड है दोस्तों जहाँ पे आपको क्लाउडी क्लाउड दिख रहा है। रोहतांग में अभी वेदर कुछ नहीं बोल सकते कैसा है कैसा नहीं है क्योंकि हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर। बट फिलहाल आपको मैं नदी दिखा देता हूँ दोस्तों जो बहुत ही ख़तरनाक हो गई है इस टाइम। मौसम ही ऐसा है दोस्तों कि बरसात का है तो कभी ये डेली बढ़ती रहती है, तो फिलहाल नॉर्मल है ऐसा कुछ नहीं है, जब ये इससे भी ख़तरनाक होगी तो इसे डबल हो जाएगी ये नदी। तो फिलहाल अभी चलते हैं दोस्तों ऊपर। सब लोग दोस्तों व्यू एंड वेदर का मज़ा ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे व्यू पॉइंट पे रुक गए थे हम लोग एंड और भी भाई लोग आ गए हैं, ये हमारी दूसरी गाड़ी है, बाकी वो लोग अभी आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। ये हमारी तीसरी गाड़ी है दोस्तों, ये लोग भी अभी पहुँच गए हैं, पूरे मज़े ले रहे हैं दोस्त लोग एंड चौथी गाड़ी वहाँ पे है। तो अभी चलते हैं दोस्तों ऊपर, यहाँ पे रुक गए थे व्यू पॉइंट के लिए ही।
दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली में। गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी है तीनों चारों, एंड मौसम बिल्कुल सही है दोस्तों, साफ है मौसम। गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दी है, एंड वो सामने आपका सोलांग वैली का ग्राउंड है दोस्तों। मौसम बिल्कुल सही है, एंड रोपवे अभी फ़िलहाल ओपन है क्योंकि और एक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बट पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं ये वाली पैराग्लाइडिंग छोटी पैराग्लाइडिंग है दोस्तों, एंड वहाँ पे हो रही है दोस्तों आपकी हाई फ्लाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड छोटी फ्लाई भी हो रही है नीचे, वहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ेगा ऊपर के लिए, उसके बाद वो फ्लाई होगी। एंड हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा सा नीचे खाना खाने के लिए, एंड बाइकर्स आ रहे हैं लेह लद्दाख से रिटर्न मनाली के लिए। ये वाला दोस्तों सोलांग वैली से पहले ही नाग देवता का मंदिर पड़ता है। फिलहाल अभी आपको लग रहा है कि पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है यहाँ पे, बट जब यहाँ पे स्नो होता है दिसंबर एंड जनवरी फरवरी में, तब ये रोड पूरा पैक रहता है दोस्तों, चारों साइड स्नो ही स्नो रहती है। बट फिलहाल अभी पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है, शांत है। हम लोग सोलांग वैली से ऊपर आ गए थे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर बैठे खाना वाना खाए, यहाँ पर पैक करके लाए थे हम लोग, तो अभी चलते हैं ऊपर दोस्तों सोलांग वैली में। वो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी रिटर्न भी होना पड़ेगा। गाइज अभी निकल रहे हैं सोलांग वैली से वापस मनाली के लिए, एंड आज पूरा दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड मौसम बिल्कुल साफ रहा दोस्तों, आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, आज के दिन सही हो गया। नहीं तो क्योंकि डेली मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बरसात का टाइम है तो उस करके कई बार थोड़ा बारिश हो जाती शाम को, दिन को मौसम साफ रहता था, बट आज शाम तक मौसम बिल्कुल सही रहा, ये चीज़ सही हो गई आज। दोस्तों सोलांग वैली से रिटर्न आके अभी हम लोग रुकने वाले हैं नेहरूकुंड में, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिवर साइड जाके थोड़ा वीडियो फोटो खींचना है, तो उस करके अभी हम लोग रुक गए हैं नेहरूकुंड में। सबसे नज़दीक यहीं पे है जाने के लिए रिवर के साइड में, तो अभी ये लोग आ गए हैं वापस क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ बैठ के, आधा पौना घंटा यहाँ पे रुक लिए, उसके बाद अभी चल रहे हैं वापस होटल। एंड गाइज कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, एंड जो लोग चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसा ही अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए दीजिए दोस्तों इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, गुड बाय।